राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सब मजे कर रहे होंगे अपने घर पर। और आजकल जो है ना, वो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ। पूजा भी देखिए मैंने कर ली है। उसके बाद देखिए पूजा करने के बाद डेली एक फल मैं डेली खाती हूँ। तो आज जो है ना, वो मेरा फल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज मैं जूस बनाने वाली हूँ। तो मौसमी लेकर आई थी मैं, 2-3 दिन हो गए जब लेकर आई थी, तो बस उसी का आज जूस बना रही हूँ। अनार और मौसमी को मिक्स करके उसका जूस बनाऊंगी। और देखिए, हम जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं ना, वो भी अपने शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। कोई आपको ज़्यादा महंगे वाले प्रोडक्ट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। महंगी महंगी चीज़ें खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी नॉर्मल खाना बनता है ना, बस आप उसे खाइए, आप बढ़िया से स्वस्थ रहेंगे और फिट भी रहेंगे। मैं अपने आप को ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ और आपको सलाह दे रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ यही है कि आप अच्छा खाइए, ताकि आपका शरीर जो है ना, वो बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और जो पहला सुख है ना, वो निरोगी काया ही है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छा खाइए, और हो सके तो सुबह एक फल आप ज़रूर खाइए। केला और सेब सबसे अच्छा ऑप्शन है सुबह खाने का, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती खाने में, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, ये बन गया मेरे ठाकुर जी का जूस। तो ठाकुर जी का जूस जो है ना, वो गिलसिया में निकालती हूँ। कांच के गिलास में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, यानी भगवान की किसी भी पूजा में आप जब भोग लगाते हैं ना, तो कांच के बर्तनों का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। और देखिए, ये आ गया मेरा जूस। तो मैं और हेरम, हम दोनों मिलकर सुबह जूस पीते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली सुबह मैं जूस ही बनाती हूँ, तो ऐसा देखिए पॉसिबल ही नहीं है। डेली हम किसी चीज़ को खा ही नहीं सकते, चाहे हमें कितनी भी पसंद हो वो चीज़, लेकिन हम उसे डेली नहीं खा सकते। तो बदल बदल के खाती हूँ, जैसे कभी सेब खा लेती हूँ, कभी केला खा लेती हूँ, तो जैसा मन होता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। लेकिन सुबह मैं एक फल डेली खाती हूँ। ये जो नियम है ना, मेरा बहुत टाइम से है, बहुत ज़्यादा इतना टाइम तो नहीं हुआ है, पर 1 साल से समथिंग तो यह मेरा नियम बन ही गया है कि मैं सुबह एक फल ज़रूर खाती हूँ। उसके बाद देखिए बन जाता है हमारा खाना। तो हमारे यहाँ बस नॉर्मल खाना बनता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं बनाते हम लोग। आप लोगों ने वीडियो में देखा भी है कि हम लोगों की जो रहन सहन है, बिल्कुल सिंपल साधा रहने वाले लोग हैं हम लोग। तो आज जो है ना, हमारे यहाँ बनी हुई है इडली सांभर और चटनी बनी है। वैसे देखिए दाल रोटी सब्जी डेली हम सबके घर में बनती ही है, तो सिर्फ वही चीज़ें खाती हूँ जो मेरे घर में बनती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ अलग ब्राउन राइस बना रही हूँ, फलाना ढिकाना, तो कुछ भी नहीं बनाती। जो मेरे घर में बनता है मैं उसे ही खाती हूँ। और ये मतलब बहुत आसान तरीका है। हम अपने लिए अलग से बनाने में ना बहुत ज़्यादा हैटिक लगता है, हमें आलस आता है कि हम अपने लिए कैसे बनाएं, इतना सारा घर का काम करें उसके बाद अलग से खाना बनाएं, तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरे घर में जो भी बनता है मैं उसी को खाती हूँ और उसी को बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ। लेकिन ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, जो भी खाएँ थोड़े कम क्वांटिटी में खाएँ, थोड़ा कम मात्रा में खाएँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इतना खाना चाहिए जितना हमारे शरीर के लिए सफिशियंट है, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद पीती हूँ चाय, वो भी मैं शाम को पीती हूँ। अभी देखिए शाम का टाइम हो चुका है खाने के बाद। खाने के बाद बस मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत सो जाती हूँ, या कभी कुछ मूवी वगैरह देख लेती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो कर लेती हूँ उस टाइम। और उसके बाद देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। चाय जो है ना, मुझे बहुत पसंद है पीने में, बहुत अच्छी लगती है, आप लोग देखते भी रहते हो मुझे। तो शाम के टाइम मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। अभी समथिंग 4:30 का टाइम हो चुका है। और देखिए मैंने डलिया भर जो है ना बर्तन साफ़ कर लिए हैं। चाय देखिए मेरी अभी बनी नहीं है, और बर्तन जो है ना मैं बहुत जल्दी साफ़ करती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने कई वीडियोज़ में शेयर भी किया है कि बर्तन साफ़ करना मेरा फेवरेट काम है। ये मेरी चाय जो है ना, वो बन चुकी है। इस चाय को लेकर मैं छत पर जाने वाली हूँ। आज देखिए मैं छत पर आकर बैठ गई हूँ, तो आज जो हवा है ना वो बहुत अच्छी चल रही है। यहीं पास में 2-3 पेड़ भी लगे हुए हैं, तो ये जो मेरा जगह है ना, ये भी मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ पर भी आकर मैं कभी कभी चाय पी लेती हूँ। और जो है ना, वो बारिश नहीं हुई है, पर मौसम आज का जो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, तो अच्छा लग रहा था तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कौन कौन से पेड़ लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा पेड़ तो देखिए मेरे यहाँ पर है।
है नहीं। ये देखिए, ये एक मनी प्लांट लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा ग्रो हो गया है बरसात में, तो देखिए बहुत अच्छा हो गया है। इसके बाद एक केला का पेड़ है, ये मनी प्लांट है। उसके बाद दो तीन पेड़ गुलाब के लगे हुए हैं, तो इसमें सफ़ेद ऑरेंज कलर के गुलाब आते हैं जो कि हम ठाकुर जी पर चढ़ा देते हैं। और छोटे 4-5 पेड़ ही हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं है। हमारे पास है ये इसे क्या कहते हैं वाइट पन्नी, वो भी देसी भाषा में। वाइट पन्नी देसी भाषा में। और ये हमारी कैची देसी भाषा में। अरे हमारा जुड़ाव भड़ाव जो भी है, इसका नाम स्टेपलर बोलते हैं इसको। स्टेपलर और स्टेपलिंग होती है। तो देखिए, अब मैं बैठ चुकी हूँ हेरम की बुकों पर, कवर चढ़ा रही हूँ। 3-4 दिन हो गए हैं हेरम की बुकें आई हुए, लेकिन मुझे जो है ना वो वक्त नहीं मिल पा रहा था, तो सोच रही थी कि कल चढ़ाऊँगी या आज चढ़ाऊँगी। तो बस हेरम उससे नाराज़ हो गया कि मम्मी आप मेरे काम नहीं करती हो, सिर्फ अपने अपने काम करती रहती हो। तो मैंने सोचा चलिए आज अपने काम छोड़ देते हैं, आज हेरम का ही काम करते हैं। तो देखिए, मैं उसकी सारी बुकों पर इस तरह से कवर चढ़ा रही हूँ। हेरम अभी चढ़ा नहीं पाता है, चढ़ा तो लेगा, उसको बोलूँगी, लेकिन वो सही से नहीं कर पाएगा और पूरी पन्नियों को जो है ना वो ख़राब कर देगा। इसीलिए फिर मैं सोचती हूँ फिर मैं ही कर दूँ। लेकिन हम बच्चों को ना कोशिश तो करने देना चाहिए, मेरा ये मानना है। हम अगर बच्चों को कोशिश नहीं करने देंगे ना तो वो सीखेंगे नहीं। तो मैं उसको एक दो बुकों पर मैं उससे ही कवर चढ़वाऊँगी ताकि वो अच्छे से सीख जाए। मैं जब छोटी थी ना, जब मैं 8th क्लास में थी, मुझे ऐसा लगता है शायद 7th से ही मैं अपने बुकों पर खुशियों में कवर चढ़ाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी को जो है ना वो टाइम नहीं मिलता था, पापा भी नहीं चढ़ाते थे, तो कोई जब चढ़ाने वाला नहीं होता ना तो हम खुद ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं। भले ही 2-4 बार वो चीज़ें हमसे गलत होंगी, लेकिन हम फिर बाद में सीख जाते हैं। ये सारा सामान तुम उठा के रखोगे, चलो। हटना, मैं निकल जाऊँ। सारा सामान अंदर। कैची ले आए थे? स्कूल चले हम। स्कूल की बहुत याद आ रही है। आती है। कवर चढ़ाते चढ़ाते हो गया था संध्या का टाइम, तो बस यहाँ पर दिया बाती का टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पर मैं और हेरम दोनों मिलकर ही दिया बाती करते हैं। अच्छा लगता है, दोनों माँ बेटा मिलकर दिया बाती करते हैं। जब हेरम के पापा होते हैं तो हम तीनों मिलकर करते हैं, लेकिन आजकल हेरम के पापा बाहर गए हुए हैं, तो मैं और हेरम दोनों मिलकर आरती करते हैं अपने ठाकुर जी की। और इसके बाद देखिए, मैंने वीडियो बनाया नहीं, इसके बाद तो कुछ था ही नहीं बनाने लायक, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। सीधे मिल रही हूँ मैं अब आपको सुबह। और देखिए, यही सुबह हो चुकी है, हेरम अभी जो है ना वो सो रहा है। 5:30 बजे का अभी टाइम है। और मैं आपको कल बोल रही थी ना कि ऐसा लग रहा है कि रात में बहुत बारिश होने वाली है, तो देखिए बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी रात में, पूरी रात ही पानी बरसा है और बहुत ठंडा वाला मौसम हो गया है। तो चलिए छत पर आपको लेकर चलती हूँ। मौसम जो है ना शब्दों से बयान नहीं कर सकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का मौसम। कर उठने के बाद 10 से 15 मिनट जो है ना वो छत पर मैं इसी तरह बिताती हूँ, इसी तरह घूम लेती हूँ, इससे जो पैर वगैरह होते हैं ना वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसके बाद पीती हूँ मैं 2 ग्लास पानी, और 2 ग्लास पानी पीने के बाद बस अपने लिए बनाऊँगी 1 कप कॉफ़ी, और कॉफ़ी बनाने के बाद मैं वर्कआउट करती हूँ। तो 40 से 45 मिनट की एक्सरसाइज जो है ना वो मेरी डेली रूटीन में है, लेकिन आज है संडे इसीलिए आज इस चीज़ का ऑफ है। आपको थोड़ा सा मैं खाने पीने का बता रही थी ना, इसीलिए मैंने इस बात को आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज तो देखिए मुझे एक्सरसाइज करनी नहीं है, तो आज जो है ना वो मैंने अपने बालों के लिए हेयर मास्क बनाया है। इसमें मिलाया क्या है ये बता दूं, क्योंकि बनाते समय तो मैं वीडियो बना नहीं पाई।
तो देखिए इसमें मिलाया है मैंने मेथी दाना, रात भर मैंने मेथी दाने को भिगो के रख दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें एलोवेरा मिलाया है, जो प्लांट में लगा होता है ना ताज़ा वाला एलोवेरा मैंने इसमें मिला दिया है, थोड़ी सी मीठी नीम मिलाई है, तो इससे जो है ना मेरा मास्क बनकर तैयार हो गया है। पानी बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एलोवेरा में जो है ना वो जूस होता है, तो आप बिल्कुल भी इसमें पानी ना मिलाएं, इससे बालों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं 2-3 बार से इसे यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अंतर मुझे दिख रहा है इससे, और अच्छा अंतर दिखा तो आप लोगों को मैं बता दूंगी। इसके बाद देखिए आज है संडे, तो संडे को देखिए मैं घर की सफाई जो है ना वो करती हूँ, तो बस यहाँ पर स्टैंड से देखिए शुरुआत हो गई है, क्योंकि स्टैंड में जो है ना थोड़ी सी चिपचिपाहट हो गई थी बरसात के कारण। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में दिन भर एनर्जी रहे, दिन भर आप एनर्जेट होकर पूरा अपना घर का काम कर सके, किसी की हेल्प की आपको कोई ज़रूरत ना हो, और देखिए समय के साथ साथ जो है ना वो शरीर भी थोड़ा सा हमारा कमज़ोर पड़ता चला जाता है, तो अगर आप अपने खाने पीने का और अपने शरीर का अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे ना, तो ये सारी कमियां जो है ना वो आपको महसूस नहीं होंगी। तो मैं हमेशा इसी प्रकार से करती हूँ, जो आप में जो मेरा खाने पीने का रूटीन है वो भी मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। तो हम जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं ना, इसी तरह से अपनी सादा सिंपल डाइट लेकर और अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इस चीज़ को अपने जीवन में आप ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। जय श्री राधे।